यदि बिच्छू ने डंक मार दिया हो, आपके सामने कोई चीज नहीं है, तो आप इसको मल करके भी, इसको मलने मात्र से आपके बिच्छू का जो डंक का दर्द है वो समाप्त हो जाता है, तुरंत लाभ हो जाता है। इसको दीर्घायु कारक भी माना गया है आयुर्वेद में, आयु बढ़ाने के लिए यह दिव्य औषधि है। तो इसके लिए आप इसका पाउडर करके, इन पत्तों को सुखा करके छाया में नियमित रूप से सुबह शाम दूध के साथ मिश्री मिला करके लेने से निश्चित रूप से यह आयु वर्धक है, आयु को बढ़ाने वाली है। यह एक दिव्य औषधि, सर्वत्र सुलभ, हमारी देश की औषधि, हमारे लिए लाभकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको अपने घर की शोभा को बढ़ाते हुए गमलों में लगा करके इसको रख सकते हैं। यह प्रायः कुछ वर्ष भी जीवित रहती है, ये औषधि, ये पौधा जीवित रहता है। यदि आप फिर तब तक इसके बीज तैयार हो जाते हैं, उसमें डालते रहें, तो नए नए पौधे भी उग जाते हैं। तो ये सुंदर पौधा आपके घर आंगन की शोभा को बढ़ाएगा और आपके तंदुरुस्ती को और आपके स्वास्थ्य को भी ये ठीक रखेगा। आइए इस पौधों को गमले में लगाइए, इसके गुणों को पहचानिए और अपने आप को रोग मुक्त रखते हुए देश के लिए आप कल्याणकारी बनें।